संघर्ष एक ऐसा शब्द है जो इंसान को मुश्किलों से लड़ना और जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है। कहीं जिंदगी का संघर्ष तो कहीं जिंदगी जीने का संघर्ष हर वक्त चलता ही रहते हैं। संघर्ष वो शब्द है जो हर किसी इंसान के जीवन से जुड़ा है, क्योंकि इंसान का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक बस संघर्षों से भरा रहता है। हालात चाहे कितने भी कठिन या आसान क्यों ना हो, संघर्ष तो हर पल लगा ही रहता है। आज की कहानी एक ऐसे संघर्ष की है गाइस, जहां मुश्किल हालातों के बावजूद भी मंजिल तक का सफर लगातार चलता रहा। सफर बहुत कठिन तो नहीं था, पर संघर्ष करके, मेहनत करके मंजिल पाने का जो मजा था ना, वो कुछ अलग ही था यार। तो गाइस गाइस गाइस, उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं और तैयार हैं एक ऐसे एक्सपीरियंस के लिए, जिसे देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर उस जगह से प्यार जरूर कर बैठेंगे। अपने उत्तराखंड में घूमने के न जाने कितने अड्डे हैं गाइस, कहीं बुग्याल है तो कहीं कुछ ऐसे पहाड़ हैं जिनके उत्तराखंड में होने की वजह से अपना उत्तराखंड बाकी राज्यों से एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। कहीं ग्लेशियर्स हैं तो कहीं हिमालय के करीब ऊंचाई में कुछ ऐसे गांव भी बसे हैं जो स्वर्ग के समान सुंदर हैं। आज का सफर गढ़वाल के एक ऐसे ही गांव का रहने वाले गाइस, जो त्रिशूल पर्वत के बहुत करीब बसे हैं और उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा गांव है जहां से त्रिशूल पर्वत हूबहू त्रिशूल की शेप में नजर आते हैं। गांव का नाम है घेस विलेज, जो चमोली जिले के देवाल क्षेत्र में आते हैं, पर आज की वीडियो का मकसद आपको सिर्फ घेस गांव दिखाना नहीं है। घेस विलेज तो बस वो पॉइंट है जहां से हमने अपना पैदल ट्रैक शुरू करने हैं। अगर ट्रैक की बात करूं तो आज का ट्रैक एक ऐसे बुग्याल का रहने वाला है जो घेस गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। बुग्याल का नाम है बागजी बुग्याल। आज की तारीख है 8 फरवरी 2023 और आज हम लोगों को अपने घर से लगभग 150 किलोमीटर की ड्राइव करते हुए चौकोड़ी, बागेश्वर, ग्वालदम और देवाल होते हुए हिमालय से लगे गांव घेस तक पहुंचने हैं। फिर कल सुबह घेस से बागजी बुग्याल के ट्रैक में निकलते हैं। तो गाइस गुड इवनिंग और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यार आप लोगों ने इंट्रो देखा होगा, पता चल गया होगा भाई आज की वीडियो कहाँ की रहने वाली है। आज की तारीख है 8 फरवरी 2023 और आज हम लोग दो लोग हैं, हम लोग अपने घर से आज कहाँ के लिए निकल रहे हैं। तो यार गाइस, जब मैं सुबह सुबह वीडियो की शुरुआत कर रहा होता हूँ या किसी भी टाइम पे जब मैं वीडियो शुरू कर रहा होता हूँ, यार बोला नहीं जाता शुरू में, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई हुई है। तो इंट्रो देख के आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज की वीडियो बागजी बुग्याल की रहने वाली है गाइस, और आज की तारीख है 8 फरवरी 2023, सफ़र है बागजी बुग्याल का। तो यहाँ से आगे चलते हैं गाइस, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ से गढ़वाल मंडल की शुरुआत होती है और कुमाऊँ मंडल ख़त्म हो जाता है यहाँ पे भाई। यहाँ से आगे गढ़वाल का चमोली जिला शुरू होता है और हम अभी पीछे बागेश्वर जिले को छोड़ के आए गाइस। हम लोग ग्वालदम के काफ़ी करीब हैं, लगभग हम लोग ग्वालदम पहुँच चुके हैं। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप जैसे गढ़वाल एंटर करो ना, तो आपको भाई सड़क की जो कंडीशन है, रोड्स की जो हालत है, वो एकदम अलग देखने को मिलती है। देखिए भाई, अभी तक हम लोग एकदम पतली सड़क से होके गुजर रहे थे और अचानक से देखिए चौड़ी चौड़ी रोड आनी शुरू हो गई हैं। तो भाई ये खासियत है गढ़वाल की, गढ़वाल में डेवलपमेंट अच्छा है यार कुमाऊं के कंपेयर में। तो भाई अभी फाइनली हम लोग ग्वालदम पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग बैठे हैं योगी भैया के रूम के बाहर पे। अभी यहाँ से उसका फोन किया उसको, तो वो कह रहा था भाई कि मार्केट गया हुआ है, कुछ देर में आ जाएगा, तो उसका वेट हो रहा है। लगभग अभी हमको 40 किलोमीटर और जाना है ग्वालदम से, लगभग 2 घंटे का रास्ता है, क्योंकि रोड शायद थोड़ी सी संकरी देखने को मिलेगी और कहीं कहीं पर शायद कच्ची रोड देखने को मिले। तो कुछ देर ग्वालदम के आपको बढ़िया से नज़ारे दिखाते हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं। तो भाई अभी ग्वालदम आने के बाद योगी भाई जी से मिलिए। यो हेलो। और अभी हम लोग एक शानदार सी जगह में एकांत में चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। देखिए भाई बालकनी सी है बाहर को निकली हुई, यहाँ से नज़ारा शानदार। देखिए साला रूख, और ये अपने प्रकाश मेहता भैया, पर भैया हेलो भाई। अभी तक ना ग्वालदम तक वीडियोस कम दिखाने का वैसे दो कारण थे यार, एक कारण ये था कि भाई मैं पहले भी दिखा चुका हूँ और दूसरा कारण ये कि भाई मैं गाड़ी चला रहा था। लेकिन अभी भाई योगी भाई ने देखे क्या दिखाया भाई, शानदार चीज़। अब यहाँ से मैं ये हेलमेट पहन के जाऊँगा। तो भाई अभी आगे यहाँ से आप ग्वालदम से आगे ये वाला हेलमेट पहन के चलेंगे भाई, अब इसी से आपको नज़ारे दिखाऊंगा। भाई अभी हम लोग देवाल वाली रोड में आगे जा रहे थे, सामने देखिए भाई त्रिशूल का नज़ारा। एक बार लीनियर करके दिखाता हूँ, राइट साइड वाली त्रिशूल और उसके लेफ्ट में नंदा घूटी, ये देखिए भाई। यार आज कई टाइम बाद त्रिशूल को वापस देख रहा हूँ तो काफ़ी बड़ी दिखाई पड़ रही है यार, 7000 मीटर से ऊँची पहाड़ी है गाइज ये,
और ये 6200 कुछ ऐसे हैं। शाम के लगभग 3 बजे हम लोग ग्वालदम पहुंचे गाइस, और अब ग्वालदम से 1 घंटे की ड्राइव करके पहले हमको देवाल पहुंचना था, फिर देवाल से खेस गांव के लिए 25 किलोमीटर की दूरी और तय करनी थी। मैं देवाल तक तो पहले भी जा चुका था गाइस, पर देवाल से आगे खेस का रास्ता मेरे लिए एकदम नया था। घेस देवाल के कंपेयर में काफी ऊंचाई में था, तो अब देवाल से आगे खेस तक हमको एकदम खड़ा चलना था, और रोड की हालत भी कुछ खास नहीं थी गाइस। यार आज का प्लान खेस पहुंचने के बाद वहां कैंपिंग करने का था, पर रात हो गई थी जिस कारण से हम लोगों को खेस गांव में पहुंचने के बाद कैंप लगाने के लिए जगह ही नहीं मिल पाई, क्योंकि रात का अंधेरा था और ऊपर से नई जगह थी, जिस कारण से खेस पहुंचने के बाद हम लोगों ने रूम में स्टे किया। धूल और मिट्टी में चलने के बाद, काफ़ी ख़राब रास्ते का सामना करने के बाद अभी हो रहे हैं 6:30, अंधेरा होने को आया है और अभी भी हम लोग घेस नहीं पहुँचे हैं गाइस। यहाँ से घेस ज़्यादा नहीं है, आगे पे हमको 2 बंदे मिले थे, उन्होंने हमको बताया कि घेस यहाँ से ज़्यादा नहीं 4-5 किलोमीटर होगा शायद, या जितना भी है ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 किलोमीटर होगा पहुँचने वाले हैं गाइस घेस। और रास्ते से त्रिशूल के नज़ारे बहुत प्यारे दिखाई दे रहे थे यार, और कल हमने यहाँ से ऊपर के लिए अपना ट्रैक शुरू करना है गाइस, लेकिन पहले आज घेस विलेज में पहुँच के वहाँ कुछ लोकल के गांव वालों से बात करके अपना कैंप वहाँ पिच करेंगे, फिर कल आपसे मिलेंगे यार। रात के लगभग 7:30 बजे हम लोग घेस विलेज में पहुंचे। गांव के एक दाजू ने हमको रहने के लिए कमरा दिया और आज का स्टे वहीं रहने वाला था गाइस। घेस पहुंचने के बाद अपने साथ एक छोटा सा सीन और हुआ जो मैं आपको बताना तो रात को ही जाता था, पर जैसे ही मैं रूम पे पहुंचा मेरा सर दर्द करने लगा। एक पावर नैप लेने जैसे ही मैं लेटा, आज के सफर की थकान से मुझे तुरंत नींद आ गई, और सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने खुद को गढ़वाल के एक खूबसूरत से गांव में पाया। तो भाई गुड मॉर्निंग, अभी हम लोग हैं घेस विलेज में जो पड़ते हैं उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में गाइस। टाइम हो रहा है लगभग 9 बजने वाले हैं, और कल रात के शॉर्ट्स में आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाया गाइस, क्योंकि यार कल रात भाई यहाँ पहुँचते ही सरदर्द होने लगी थी मेरी, तो जैसे ही बिस्तर में लेटा चाय पी के नींद आ गई भाई। इस वक्त हम लोग हैं घेस विलेज में और यहाँ से सामने हिमालयास का नज़ारा देखे यार। तो भाई धूप आ गई है बढ़िया वाली, और अगर आज हमने ट्रैक में कहाँ जाना है ये बताएं तो ट्रैक हमने अपना यहाँ से शुरू करने ऊपर 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 लगभग 7-8 किलोमीटर का ट्रैक है, तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। और भाई यहाँ से सामने त्रिशूल का नज़ारा देखे यार, ये त्रिशूल की पहली पहाड़ी, ये दूसरी, ये तीसरी। घेस ऐसा गांव है जहाँ से त्रिशूल की प्रॉपर शेप दिखाई पड़ती है, त्रिशूल वाली देखिएगा इस। अगर आप बाकी जगहों से देखो, जैसे अपने उस साइड से देखो चौकोड़ी साइड से, या फिर यहाँ रानीखेत कौसानी अल्मोड़ा साइड से, कहीं से भी आप देखो त्रिशूल कुछ अलग ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहाँ से देखिएगा इस प्रॉपर त्रिशूल दिखाई पड़ रहा है, और ये नज़ारा अभी बागजी जाके और शानदार होगा। और भाई जैसे ही कल हम यहाँ पे घेस विलेज में पहुँचे, भाई जी ने हमारी बहुत हेल्प करी यार। भाई जी आपका नाम? तेजपाल बिस्ट। तो भाई ये यहीं के घेस के रहने वाले हैं, और कल इन्होंने यहाँ पे हमको रूम्स दिलाए, और एक और दात यार उनकी दुकान यहाँ पे, उनका क्या नाम है? रणदीप बिस्ट, रणजीत बिस्ट। ये यहीं के रहने वाले हैं लोकल गांव के, और इनका यहाँ पे ढाबा भी है देखेगा इस। तो इनके ढाबे पे हम कुछ देर बैठे और उसके बाद यहाँ कहीं रुके थे हम कल इस साइड, यहाँ गैलरी में अंदर जाके। तो यार भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, भाई जी जैसे लोग अगर यहाँ हैं तो कभी ट्रैवलर्स को ट्रैकर्स को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी गाइस। और मैं लास्ट में भाई जी का नंबर लेके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको किसी को आना है, अगर मेरे रेफरेंस में आते हो तो भाई जी आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे यार। तो भाई गाड़ी यहाँ पर लगा दी है, सामने हिमालय दिखाई पड़ रहे भाई, तो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग लगा के अब हम यहाँ से ऊपर अपना ट्रैक शुरू करेंगे गाइस। भाई सामने कुछ त्रिशूल के बढ़िया से नज़ारों के साथ अभी हम लोगों ने 9:10 पे घेस विलेज से बागजी बुग्याल का अपना ट्रैक शुरू कर लिया है गाइस। सामने पे त्रिशूल दिखाई दे रही है बहुत प्यारी, शायद रूट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन रास्ते पे जो भी मिलेगा पूछते हुए चलेंगे गाइस। देखे गाइज लगभग 300-400 मीटर ऊपर आने के बाद यहाँ से देखिए सामने पे त्रिशूल पीक और उसके जड़ में हिमनी गांव दिखाई पड़ रहा है भाई। ये है इस साइड से यानी चमोली का त्रिशूल की एरिया का लास्ट गांव भाई, इससे आगे गांव नहीं है, ये लास्ट गांव है हिमनी, और हिमनी के पहले घेस विलेज। रोड जा रही है देखिए, रास्ते में भाई बर्फ़ जमी हुई है यार, ये पता नहीं कब की गिरी हुई है भाई, अगर यहाँ इतनी ज़्यादा है फिर तो भाई ऊपर होगी। और भाई अभी आपको कल का सीन समझाना है कि कल हुआ क्या था भाई।
कल हमारा प्लान पहले टेंट लगाने का था, लेकिन हम लोग फिर यहाँ एक होम स्टे में रुके। होम स्टे तो नहीं था, एक कमरा था जो दाजू ने हमको दिलाया। किस तरीके से हम वहाँ रुके वो आपको अभी समझाएंगे आगे। पहले थोड़ा आगे चलते हैं भाई। तो भाई अगर आप लोगों को ना घेस से बागजी बुग्या लाना है तो पहली बात तो किसी लोकल लोगों से, गांव वालों से बागजी तक का रास्ता पूछ लेना। और अगर ना समझ में आए तो भाई हम गूगल अर्थ की मदद से जा रहे हैं, क्योंकि जियो में हल्के फुल्के नेटवर्क्स हैं यहाँ पे, जिस कारण से हम गूगल अर्थ में रास्ता ढूंढ ढूंढ के जा रहे हैं। क्योंकि नीचे जो भैया आपको दिखाए थे सुबह के टाइम पे, उन्होंने बताया था कि ऊपर अभी एक गांव पड़ेगा, वहाँ पे दोबारा से बागजी का रास्ता पूछ लेना। तो अभी हम उस गांव तक जा रहे हैं, वहाँ पे एक रेस्ट मारेंगे, वहाँ पे रास्ता पूछेंगे, फिर बागजी के लिए निकलेंगे भाई। तो गाइज लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर आने के बाद सरमाता नाम के गाँव में यहाँ पे दाजू मिले हैं। ये दाजू यहीं के रहने वाले हैं और ये इनका घर है यार। यहाँ पे देखिए, इनसे हमने रास्ता पूछा तो रास्ता ऊपर से जाते हैं वहां से कहीं ऐसे करके गाइस आगे। और अभी हमको जाने 7-8 होने लगभग, ना 5 किलोमीटर। अच्छा 5, ये हैं 5 ही। तो यार अभी यहाँ सब ऊपर चलते हैं, दाजू से एक मुलाकात की, छोटी सी कुछ बातें कर ली हैं, अब यहाँ से अपना ट्रैक आगे शुरू करते हैं। ठीक है दाजू। तो भाई घेस विलेज से लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद नीचे पे एक घर आया था, हम वहाँ से आए अभी यहाँ से ऐसे करके। घेस विलेज कहीं नीचे होगा, वहाँ से ऐसे, फिर वहाँ से ऐसे आ रखे हैं। अभी यहाँ पे आने के बाद एक खुला सा बुग्याल दिखाई दिया है गाइस, देखे कितना प्यारे है। तो यार ये बुग्याल देख के मन किया कि यहाँ पे कुछ देर बैठना चाहिए, आपको नज़ारे दिखाने चाहिए यहाँ से। देखे गाइस जो सामने दिखाई पड़ रहा है वो है अली बेदनी बुग्याल, पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा, एक बार फोकस लॉक करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला है अली बेदनी बुग्याल, एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल। तो ये पूरा दो बुग्याल मिलके अली बेदनी बुग्याल एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल बनाते हैं। और अगर थोड़ा राइट में देखें तो त्रिशूल दिखाई पड़ ली है भाई, प्रॉपर त्रिशूल शेप में देखिए, वाह। तो दासे मैंने अभी आपको मिलाया था, अब कितनी दूर जाओगे दा बकरिया लेके? अच्छा धार के पल्ली तरफ ना, रास्ता भी यहीं से होगा ना ऐसे ही। तो यार 9 फरवरी को सुबह के 9 बजे हम दो लोगों ने बागजी बुग्याल का ट्रैक शुरू किया और 1 घंटे का ट्रैक करके लगभग 10 बजे हम लोग सरमाता विलेज में पहुंचे। लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद इस वक्त हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे थे जहां से त्रिशूल पर्वत का नजारा दिल छू जाने वाला था। गांव के कुछ लोगों से जब हमने बागजी जाने का रास्ता पूछा तो एक चीज पता चली कि सरमाता गांव से बागजी जाने के 2 पैदल रास्ते थे। पहला रास्ता जो बागजी जाने का मेन रास्ता था वो सरमाता गांव से लगभग 6 किलोमीटर का रूट था, जो कुछ इस तरह 2-3 पहाड़ों के इर्द गिर्द घूमते हुए हमको टॉप तक लेके जाने वाला था। दूसरा रूट बागजी जाने का एक शॉर्ट रास्ता था, जो था तो सिर्फ 3-4 किलोमीटर का रूट, पर मेन रूट के कंपेयर में वो रास्ता थोड़ा भूल भुलैया था, जिस कारण हम लोगों ने पहला रास्ता चुना। उस रास्ते में आगे बढ़कर हमने जैसे ही सरमाता गांव क्रॉस किया हम रास्ता भटक गए गाइस। आज के इस पूरे ट्रैक में हम टोटल 3 बार रास्ता भटके, पर हर बार कैसे न कैसे वापस ट्रेल में पहुंच ही जाते। भाई कहीं भी जाओ, आप किसी भी ट्रैक में जाओ, उत्तराखंड में या कहीं भी, भाई इतने प्यारे प्यारे डॉगी दिखाई पड़ते हैं यार। अब देखिए भाई यहीं पे बैठ गए कालू, देखो कालू नहीं है भाई, ये कुछ और ही है। ये सामने दिखाई पड़ रहा है गाइस सरमाता विलेज, ये पूरा यहाँ की एक बढ़िया सी फोटो आपको दिखाता हूँ यार, बहुत प्यारी कैप्चर होगी लग रहा है मेरे को। तो भाई अभी हम लोग यहाँ से आए ऐसे, और अभी यहाँ से हमको ऐसे जाना है सामने टॉप पे, जो रिज दिख रही है हल्की सी, वहाँ से हमको जो ये वाली पहाड़ी है इसके पीछे पीछे होते हुए यहाँ कहीं बागजी होगा गाइस। जहाँ पे धूप कम पड़ती है उस एरिया में भाई अभी भी बर्फ काफ़ी टिकी हुई है यार। और अभी हमको जिस रिज की मैं बात कर रहा था यहाँ तक जाना है, यहाँ से फिर लेफ्ट हो जाना है ऐसे। तो गाइस टाइम हो रहा है 12:19 और अभी हम लोग बागजी बुग्याल से लगभग 2-3 किलोमीटर नीचे पे हैं। कल का वेदर चेक किया भाई, एप्पल में यानी जो आईफोन की वेदर ऐप है उसमें बारिश बता रहे हैं, और गूगल पे चेक किया वहाँ पे सनी और क्लाउडी कुछ ऐसा बता रहे, और बादल आने शुरू हो गए हैं यार, तो थोड़ी सी मायूसी आ रखी है भाई। वहाँ तक रास्ता ठीक था, यहाँ देखिए पतला सा रास्ता है, नीचे खाई है,
तो ऐसे जाना पड़ रहा है भाई यहाँ से आगे, पतला सा रास्ता है काफी। देखिए भाई, एक रास्ता बाएं कट रहा है इधर को और एक रास्ता इधर जा रहा है भाई। वैसे यार पक्का रास्ता वो लग रहा है जो ज़्यादा सही है, एकदम सही हालात में, लेकिन यार मैप में देखा ये रास्ता कहीं उस साइड ले जा रहा है और बाघ जी इधर कहीं बता रहा है यार ऊपर। तो हम इस रास्ते से जाके देख रहे हैं अगर रास्ता है तो भाई। तो भाई थोड़ा सा ऊपर आए, यहीं पर आ रखे थे, डिसीजन बदल लिया है, अब वहाँ से जाएंगे यार। देखते हैं वो कहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि यार अगर इतना पक्का रास्ता है तो होना तो वही वाला चाहिए। देखते हैं इस रास्ते में चल के एक बार। हम इधर से आए और यहाँ पे देखे यार बर्फ़ ही बर्फ़ है और इसमें चला नहीं जा रहा भाई। ट्राई किया, एकदम पैर फिसल रहे हैं। और जो हम पहले शॉर्ट रास्ते आ रहे थे ना यार, वो यहीं से आ रहे थे भाई। देखिए नीचे से कहीं से ऐसे ऊपर को आ रहे थे, तो आप सोच रहे हैं कि गलती की भाई, उसी रास्ते से आना चाहिए था और रास्ता बस बगल में है। देखिए भाई हमको कैसे भी करके ये पार करना है भाई, और यहाँ ऊपर जाने लायक है नहीं इधर देखिए, तो कैसे भी करके पार करना है। भाई मैं यहाँ से ऐसे आया, अब यहाँ से नीचे, यहाँ पे बर्फ़ नहीं है तो यहाँ से नीचे उतर जाऊँगा मैं और वहाँ से मिल जाऊँगा ट्रेल पे। लेकिन पर्रू वहीं से आ रहा है यार, देखिए पर्रू भैया सामने से आए, मैं नीचे से आया आराम से। जय भोलेनाथ, फाइनली वापस से ट्रेल में मिल चुके हैं गाइस। वाह भाई बहुत तगड़ा था भाई। उधर से आए थे हम ऐसे, इसमें फिर दिक्कत हो गई थी, मैं आया यहाँ पे तक, यहाँ से कम बर्फ़ से नीचे उतरा मैं इधर, और पर्रू भैया यहीं से आए भाई। अभी फाइनली हम लोग उस फील्ड पे पहुँचे हैं जहाँ से अब हमको बाघ जी के लिए एक लास्ट चढ़ाई करनी है भाई, लेकिन अभी भी चलना है यार। पीछे कुछ घर दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ भी चलेंगे, जानते उनसे यहाँ से कितना और रह गया है, फिर आगे आपसे मिलते हैं गाइस। यहाँ घेस और सरमाता के लोग आके रुकते हैं, एक सीजन में आके रुकते हैं, यहाँ हो सकता है भाई पूरे साल रुकते होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये तब यहाँ रुकते हैं जब भाई चौमास का टाइम होता है, जब होता है बरसात का टाइम। यहाँ आके रुकते अपने गाय भैंस लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ चरने के लिए उनको काफ़ी खुला बुग्याल मिल जाते हैं, जिस कारण से खवाई पिवाई बढ़िया हो जाती है भाई उनकी। तो शायद अभी मेरे ख्याल से ये लोग घर पर नहीं है गाइस, हर जगह ताले लगे हुए हैं, पता नहीं ये लोग आजकल यहाँ है भी या नहीं, लेकिन अब जाना हमको यहीं से है ऊपर, तो रास्ता हल्का हल्का देख लिए, यहाँ से चलते हैं यार, कोई है नहीं यहाँ पे। तो यार इस प्यारी सी जगह पे 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद अब हम लोग यहाँ से वापस अपने ट्रैक को ऊपर निकल लिए हैं भाई। बोलने की हिम्मत नहीं है, बस बता सकता हूँ भाई, ये देखे एकदम खड़ी चढ़ाई, पैर फिसल रहे हैं, और आए हम उधर नीचे से देखे गाइस। हाँ भाई यार पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, बार बार रास्ता भटक जा रहे हैं भाई। मेन रास्ता था यहाँ से, जो बुग्याल मैंने आपको दिखाया था वो कहीं नीचे था, तो हमने क्या किया कि हम बुग्याल से लेफ्ट लेके इधर इन जंगलों से होते हुए, झाड़ियों से होते हुए यहाँ से कहीं से ऊपर आए, और अभी यहाँ पर आके देखा तो मेन रास्ता इधर से आ रहा है भाई। चलो इस बात का शुक्र है कि मेन रास्ता मिल गया यार, बर्फ है बहुत भाई, पैर बहुत अंदर तक जा रहे हैं यार, ये देखो कितना जा रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा पैर जा रहे हैं इसमें। यहाँ पे शायद धूप नहीं आती होगी जिस कारण से ये बर्फ़ गली नहीं है, देखिए यार हाइट बढ़ने के साथ साथ बर्फ़ भी बढ़ चुकी है यार। अभी देखते भाई ऊपर क्या सीन है, कभी कोई सी दिक्कत सामने आ जा रही, कभी कोई सी दिक्कत आ जा रही भाई, कभी रास्ता भटक जा रहे और कभी इस ठंडी बर्फ़ से सामना हो रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने बुग्याली एरिया में एंटर कर लिया, यहाँ देखे भाई बर्फ़ कितनी बड़ी है। तो यार अभी ये भी फिक्स नहीं है कि भाई ऊपर कितना जा पाते हैं, क्योंकि अगर बागजी बुग्याल दिखाऊं सामने देखिए पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, यहाँ से जाना है अभी हमको ऐसे। भाई सामने पे चमक रहा है बागजी बुग्याल, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं वहाँ तक यार, यहाँ से कहीं से रास्ता नहीं है, इस प्लेन से जाते तो आगे बर्फ़ पड़ी हुई है, पता नहीं किस जंगल से आ रखे हैं
रास्ता भटक के यार, जैसे ही यहाँ पे भी प्लेन आ रहा है ना, मतलब थोड़ा समतल एरिया आ रहा है, मैदान टाइप का, रास्ता भटक जा रहे हैं यार। प्लान था इस बीच में जाने का, नीचे से आए हम कहीं से, लेकिन ये पूरी बर्फ़ से ढका हुआ है भाई। तो हम इस बर्फ़ को छोड़ के इस जंगल से आए भाई, अंधेरा जंगल है एकदम। और टाइम कितना हो गया, 3 बजने वाले ना, तो 3 का मैक्सिमम टारगेट था गाइज। बुग्याल सामने पे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, बागजी बुग्याल ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि रास्ता नहीं मिल रहा। यहाँ से ट्राई करेंगे यार यहाँ से जाने की। भाई मैप्स की हेल्प से मैंने बताया होगा कि हम अभी एक्चुअली किस जगह पे हैं यार। यहाँ से जहाँ पे वो हट बने हुए हैं वो तो काफ़ी पास पे हैं, लेकिन भाई इस साइड पे बर्फ़ बहुत पड़ी हुई है यार। तो अभी हमारा मोटिव है कि कैसे भी करके हट तक पहुँचना है भाई। जहाँ पे हट बनी हुई है वहीं पे अपना कैंप सेटअप करेंगे, अगर हट खुली होगी तो हट के अंदर रुकेंगे। 20 मिनट्स लेटर भाई देखिए किस जंगल से आए हम यहाँ पे, और फाइनली रास्ता हमको यहाँ से दिखता है यार। शुक्र है रास्ता मिल गया भाई, और अब यहाँ से ऐसे जाना है ऊपर पे, यहीं कहीं होम स्टे है सामने पे भाई। फाइनली यार इतना जंगल में भटकने के बाद रास्ता मिल पाया है। फाइनली हम लोग 3 बजे ना, 3 बजे की प्रिडिक्शन मारी थी, और ठीक 3 बजे हम लोग बागजी बुग्याल। ये सफ़र हम लोगों ने 9 बजे से शुरू किया था, और फाइनली 6 घंटे के लगातार ट्रैक के बाद फाइनली हम लोग शाम के 3 बजे बागजी बुग्याल में है गाइज। वाह, फीलिंग अल्टीमेट है यार, हमारे अलावा और यहाँ कोई नहीं है यार। रास्ता भटकने के कारण हम थोड़ा लेट यहाँ पे पहुँचे, लेकिन जो भी पहुँचे भाई अच्छे से पहुँच गए बिना किसी नुकसान के। तो अब यहाँ अंदर हमारा प्लान है कैंप लगाने का, और अंदर ही चाय वाय कुछ बनाने का, क्योंकि बाहर हवा बहुत तेज चल रही है गाइज। भाई अगर हट के अंदर दिखाऊँ तो देखिए भाई, ज़मीन में लकड़ी लगी हुई है और अंदर से एकदम पैक है गाइज, स्पेस काफ़ी है। अगर स्लीपिंग बैग है तो हम सीधे भी सो सकते हैं, लेकिन यार कैंप के अंदर थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, तो हम कैंप लगा के ही सोएंगे। यार घेस गांव से एक कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद, जंगलों में भटकने के बाद, बर्फ में चलते हुए जैसे ही हम लोग बागजी बुग्याल पहुंचे, कसम से मजा आ गया यार। जब मंजिल आसानी से मिल जाए तो वो सुख नहीं मिलता गाइस, जो कठिन संघर्ष करके मंजिल पे पहुंचने में मिलते हैं। जब रास्ता कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ हो तो मंजिल पे पहुंच के जो सुकून मिलते हैं ना, वो कुछ अलग ही फीलिंग होती है, और वही फीलिंग आज के दिन थी। ट्रैक करके थकान और भूख दोनों लगी हुई थी, तो हट के अंदर जाके हमने मैगी बना के खा ली। मैगी खाने के बाद बाहर निकल के देखा तो बाहर का माहौल कुछ अलग ही था। तो भाई अभी बाहर के हालात कुछ ऐसे हैं यार, सामने पे त्रिशूल दिखाई देता लेकिन बादल होने के कारण त्रिशूल पूरा ढक गया है यार। अभी हवा नहीं चल रही जिस कारण से हम लोग बाहर आए हैं, वरना भाई बहुत तेज हवा यहाँ पे चल रही थी, मेरे को लग रहा है टॉप पे चल रही होगी। और अगर कल यहाँ से रास्ता रहा तो टॉप पे पक्का जाएंगे। ये देखे भाई बर्फ पड़ी हुई है सामने के पहाड़ पे, और यहाँ पे क्या है, अरे भाई ये बात साला देखो, शौचालय तक है भाई, बस पानी की कमी है। क्या कह रहा है पर्रू को हो रही है भाई ठंडा, क्योंकि भाई पर्रू हाई अल्टीट्यूड में कम आया है अगर मेरे से कंपेयर किया जाए तो यार, क्योंकि मैं फिर भी 2-4-5-7 जगहों पे गया हूँ, वहाँ का ठंडा मैंने हल्का फुल्का सहन किया है। और पर्रू का पहला खलिया टॉप था, और दूसरा भाई एक दो हफ्ते बाद हंस रही है देखो अंदर से, दूसरा पर्रू का बागजी है जिसका क्या हो गया भाई यार अब टाइम था हट के अंदर जाके कैंप सेटअप करने का और रात का खाना बनाने का। अब अंधेरा बढ़ने लगा, और अंधेरे के साथ साथ कोहरा भी तेजी से पूरे बुग्याल में फैलने लगा। ठंड बढ़ने लगी तो हम लोगों ने कैंप सेटअप किया और कैंप के भीतर बैठ गए। कल रात जब हम घेस विलेज पहुंचे तो गांव में पहुंचने के बाद अपने साथ एक मसला हो गया था जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। किस तरह लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वो आपको बताना बहुत जरूरी है गाइस। तो भाई यहाँ पे आने के बाद वाकई यार जुकाम से हालत ख़राब हो गई है भाई, देखिए नाक लाल हो गई है। और अब मैं आपको थोड़ा सा कल का सीन समझाता हूँ कि कल हमारे साथ क्या क्या सीन हुआ।
कल जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे ना, तो यार अपने एक पहचान के भैया है आगरा के, उनको कॉल किया हमने, उनसे हमारी बात हुई थी क्योंकि वो पहले भी घेस आ चुके हैं। तो हम अपना कैंपिंग करने के लिए एक बढ़िया सी जगह ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वन विभाग की चौकी में चले जाना, वन विभाग का गेस्ट हाउस है, वहां चले जाना, वहां आपके लिए कैंपिंग के अरेंजमेंट हो जाएंगे। भाई जैसे ही हम वहां गए, पहले तो हमसे वो कहते हैं कि भाई कैंपिंग के 1000 रुपये लगेंगे भाई, बल्कि 500 में हमको घेस विलेज में रूम मिल जा रहे थे। जो वो गेस्ट हाउस था वो घेस विलेज में ही था, और वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी बैठे हुए थे गाइस। तो जैसे ही हम वहाँ गए, उन्होंने कहा 1000 रुपया पिचिंग चार्जेस भाई, और वो कह रहे थे वैसे लगाने अलाउ नहीं है लेकिन 1000 देने पड़ेंगे। यार हमने कहा अगर 1000 देने होते तो हम तो फिर तो भाई अपने कैंप में ही रुक जाते या फिर होम स्टे में रुक जाते 500 दे के। तो वहाँ पर बात नहीं बनी, हम वापस आए घेस विलेज। जिन भैया से मैंने सुबह बात कराई थी, उन भैया ने और जो एक दूसरे दाजू थे, उन दोनों ने हमको यहाँ पे घेस विलेज में रुकने के लिए अड्डा दिया गाइस। वो रूम में आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि यार कल रात मेरी सर दर्द हो गई थी जिस कारण से मैं जल्दी सो गया था। तो भाई जैसे ही हम अपने रूम पे पहुंचे ना, तो दाजू के मोबाइल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉल आते हैं और वो हमको कहते हैं कि ये लोग बिना पास के यहाँ से ऊपर बागजी के ट्रैक पे नहीं जा सकते। बल्कि भाई मैंने अभी तक यहाँ की इतनी सारी वीडियोस देखी, अभी तक किसी भी वीडियो में किसी भी बंदे ने पास का कोई जिक्र नहीं किया था यार कि यहाँ से पास लिया जाता है। और दूसरी बात, वो हमसे क्या कहते हैं, नहीं तुम किसी भी हालत में यहाँ से ऊपर नहीं जाओगे। हमने कहा सर हम यहीं के हैं, और दूसरी बात हमको इतना तो पता है कि इस ट्रैक पे पास नहीं लिया जाता। यार कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं जहाँ पास बनते हैं, जैसे ओम पर्वत, मिलम ग्लेशियर, अली बेदनी बुग्याल, ब्रह्मताल, इन सारे ट्रैक में आने के लिए परमिट बनाना पड़ता है। तो वो हमसे कहते कि बिना परमिट के नहीं जा सकते, बल्कि आज तक किसी से परमिट नहीं लिया, बस हम इकलौते बंदे थे जिनसे परमिट लिया जा रहा था गाइस। और क्या कहते हैं कि परमिट बनाने के लिए आप लोगों को गोपेश्वर जाना पड़ेगा। भाई गोपेश्वर कहाँ है आप खुद सोच लीजिए यार। अगर गोपेश्वर हम जाएं तो भाई गोपेश्वर पड़ता है आगे, चमोली से आगे तुंगनाथ वाली रोड में पड़ते हैं। परमिट बनता है तो मैंने जितनी जगह परमिट बनाए है, परमिट भाई जहाँ का ट्रैक होता है उसके करीबी मार्केट से बनता है। जैसे ब्रह्मताल का परमिट हमने लोहाजंग से बनाया था, ओम पर्वत का परमिट धारचूला से बनाया था। अब भाई वो बात ऐसी कर रहे थे कि भाई परमिट बनेगा लगभग 100-150 किलोमीटर दूर से, 50-60 किलोमीटर दूर से, तब जाके बंदे यहाँ पे आएंगे। और वो भाई परमिट वाला स्पेशली उन्होंने हमारे लिए ही कहा यार, पता नहीं वो क्या चाहते थे, समझ में नहीं आया। तो यार वन विभाग वालों का जो ये रवैया था, जो ये हमारे लिए बर्ताव था, ये थोड़ा सा अजीब लगा यार। आज तक हम काफ़ी सारे ट्रैक्स में गए, लेकिन इस बार भाई वन विभाग वाले हमको सीधे कहते हैं कि भाई किसी भी हालात में तुम लेके नहीं जाओगे इनको ऊपर। यार गांव के दाजू बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे पहचान के हैं, हमारे मित्र हैं भाई, हमारे रिश्तेदार हैं, हम अपने रिश्तेदारों को अपने गाँव के बुग्याल में लेके जा रहे हैं, गाँव हमारे है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने बात करी उसके बाद ही गाइस हम लोग अभी इस ट्रैक में आ पाए हैं भाई। यार जब मैं दाजू के साथ वन विभाग के गेस्ट हाउस में गया तो वहाँ उनकी बातें सुनकर ना मुझे वहाँ रुकने का मन नहीं किया। जो दा अपने साथ थे उनका नाम रंजीत बिस्त था, जो घेस गांव के रहने वाले थे, और उनका बिहेवियर मुझे बहुत बढ़िया लगा यार। जब मैं वन विभाग के गेस्ट हाउस में गया था तो उन लोगों ने हमसे कहा कि तुम लोग बिना गाइड के यहाँ से ऊपर नहीं जाओगे। यार मैंने उनसे कहा कि हमको इस पहाड़ में चढ़ने के लिए ना किसी गाइड की जरूरत नहीं है, पर वो लोग थे कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। पर उनके विपरीत घेस गांव के बाकी जितने भी लोग हमको मिले, सभी का बिहेवियर बहुत बढ़िया था यार। बस वन विभाग वाले थे जो हमसे नाराज बैठे थे। पर घेस गांव में रंजीत दा और तेजपाल भाई की हेल्प से आज हम लोग इस वक्त बागजी बुग्याल के टॉप पे थे। कल के दिन हमको यहाँ से नजारा दिखने की उम्मीद थी, तो रात को हम लोगों ने फटाफट खाना खाया और चैन की नींद ली। सुबह उठकर देखा तो बाहर का नजारा कुछ अलग ही था यार। तो यार अगर नींद की बात करूं तो नींद बढ़िया आई, ऐसी बात नहीं है भाई, लेकिन यार जो ये मौसम हो गया ना भाई, ये बड़ा खतरनाक हो गया यार भाई। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है, और हम शाम को इस जगह को छोड़ के गए थे भाई, अंदर गए थे जब, उस टाइम पे यहाँ पे इतनी बर्फ नहीं थी यार। उम्मीद तो थी कि धूप आएगी और बढ़िया से नज़ारे वजारे देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा किसको पता था यार। सामने भाई हिमालयास तो दिखाई पड़ रहे लेकिन एकदम क्लियर नहीं है, और कल जितनी बर्फ पड़ी नहीं थी अब उससे ज़्यादा पड़ गई है भाई। अब शायद हमारा नीचे को जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यार, क्योंकि भाई कल इतनी बर्फ नहीं पड़ी थी और आज फिर से यहाँ पे हिमपात हुए, जिसके कारण से ये बुग्याल आज पूरा ढक गया है भाई, और सामने के हिमालय पूरे सफ़ेद हो चुके हैं, जितने पहाड़ थे सारे सफ़ेद हो चुके हैं। लेकिन भाई अगर बादल हटते हैं ना तो कुछ इनकी बढ़िया सी फोटोज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यार। ये बुग्याल पूरा बर्फ से पड़ चुका है यार। अभी हमारा यहाँ पे प्लान है, पहले तो हम सामान पैक कर रहे हैं अंदर का, फिर प्लान है कि जैसे ही सामान पैक होता है चाय पी के एक बार यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करेंगे, और यहाँ से
इधर कहीं त्रिशूल होता खतरनाक नजारा एकदम, पता नहीं ये होता कि ये होता, अभी अंदाजा नहीं आ पा रहा गाइज। या तो ये वाला होता, हाँ ये होता गाइज, ये वाला सामने त्रिशूल दिखाई पड़ता बहुत प्यारा, लेकिन भाई जो कोहरा लगा उसके कारण कुछ पता ही नहीं चल पा रहा यार। तो भाई फाइनली यार देखिए गर्मा गर्म चाय बन के तैयार है और ये इतनी जल्दी ठंडी हो रही है भाई, समझ में नहीं आ रहा। चीयर्स। ऊपर वाले टॉप पे तो नहीं पहुंचेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे यार, इधर वाली ना इस पे तो पहुंच जाएंगे हम। कैंपेरिया वहाँ छोड़ के अभी यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं और सामने हिमालय का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई, बादल लगे हुए हैं तो क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहे, और हम कल वहाँ रुके थे नीचे। तो यार आए कहाँ से बताऊँ, यहाँ से ऐसे जो नीचे पहाड़ दिख रहा है जहाँ पे मेरी उंगली है उसके पीछे से ऐसे ऐसे, और घेस की लोकेशन कहीं यहाँ है इस पहाड़ के पीछे, तो वहाँ से रास्ता ऐसे था, यहाँ से इस पहाड़ के पीछे से ऐसे इधर भाई। ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा एक रिज ऊपर चलते हैं फिर यहाँ पे बैठता हूँ यार थोड़ी देर। भाई टाइम हो गया 10 और आज नीचे भी लौटने हैं यार। जो नज़ारा हो रखा है ना बागजी बुग्याल का, ये बहुत शानदार है यार। भाई नीचे पे से स्प्रिंट खींच के आया हूँ और यहाँ से नज़ारे देखो भाई, वाह। अगर यहाँ से टॉप पे जाने की बात करूँ तो जाना तो बहुत ज़्यादा यार देखिए, और बर्फ़ भी काफ़ी पड़ी हुई है, वाह भाई ये नज़ारा देखिए। अगर यहाँ से ये साफ़ होता तो जो दिखाई देते ना आज, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार। देखिए गाइस वहाँ पे लास्ट गांव हिमनी दिखाई पड़ रहा है, जो इस साइड का लास्ट गाँव जिसको बोला जाता है, चमोली का त्रिशूल की तरफ का लास्ट गाँव हिमनी विलेज सामने पर देखिए गाइस, और वहाँ दिखाई पड़ रही है ऊंची पहाड़ी जो है खमीला टॉप, ये वाली पहाड़ी है गाइस खमीला टॉप, और इसके नीचे पे जो छोटी सी रिज है वो है ब्रह्मताल वाली रिज, झंडी टॉप भी इसी रिज में था, और इसके आगे साइड ये देखिए अली बेदनी बुग्याल, वाह भाई वाह। धूप आई है तो मज़े आ रहे हैं यार, इस साइड देखिए ये बुग्याल काफ़ी बड़ा है यार, खलिया से काफ़ी बड़ा बुग्याल है भाई बागजी बुग्याल। इसके पीछे एक और टॉप है, ज़्यादा दूर नहीं है गाइस। तो यार यहाँ से ट्राई करते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, यहाँ तक तो इजीली आ गए हैं, अब इससे आगे का रास्ता देखते हैं गाइस। यहाँ पे आपको कुछ कच्चे घर बने हुए दिखेंगे, क्योंकि एक सीजन में जब यार यहाँ चौमास का सीजन होते हैं बागजी बुग्याल में गांव वाले आते हैं, घेस गांव के सरमाता गांव के, वो आके यहाँ पे अपनी गाय बकरियों के साथ रुकते हैं, जिस कारण से ये टेम्परेरी बने हुए गाइस। देखिए जब वो आएंगे इसको थोड़ा सा रिपेयर करके अच्छे से इसको बना देंगे भाई रहने लायक। भाई इस पॉइंट तक आ चुके हैं देखिए, यहाँ से ऊपर ये टॉप है और इसके पीछे साइड एक और टॉप है छोटा सा, लगभग इसी की हाइट का, देखिए हल्का सा दिख रहा है वहाँ पे वो। तो यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ और पीछे ऐसे निशान बनाए हुए हैं गाइस। तो गाइस देखिए ये वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक हम लोग जा सकते थे, यहाँ से आगे ट्रेल ये रही और इस ट्रेल में पूरी बर्फ जमी हुई है। हम चले तो जाते यार इस पर, लेकिन क्या है कि यार स्लोप देखे भाई स्टीफ है एकदम, फिसले तो भाई दुर्घटना हो सकती है, जिस कारण से हम यहाँ से आगे नहीं जा रहे। एक टॉप सामने है लेकिन इस पर भी काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है यार। तो ये वो हमारा आखिरी पॉइंट था गाइस जहाँ तक हम लोग जा सकते थे। वाह भैया घर से भी फोन आ रहे हैं भाई, यहाँ पे नेटवर्क आ रहे हैं, एक बार घर पे बात करते हैं फिर आगे आपसे मिलते हैं।
तो गाइस फाइनली इस जगह तक आए, जितना हमसे हो सका वो हमने किया। यार वैसे चाहते तो यहाँ से हम टॉप पे जा सकते थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा अपने कुमाऊं साइड का एरिया हल्का यहाँ का दिखाई दे रहे हैं, तो जिससे पता चल रहा है यार कि वहाँ पूरी धुंध लगी पड़ी है और यहाँ से ऊपर जाना हल्का सा मुश्किल है, लेकिन जा सकते थे और हम पे टाइम कम है गाइस। 11 बज गया, लगभग 1.5-2 घंटे नीचे उतरने में लगेंगे। 12-1 बजे नीचे पहुंचे, फिर वहां से घेस का कच्चा रास्ता है, देवाल जाने हैं, देवाल से ग्वालदम होते हुए बागेश्वर होते हुए घर पहुंचने हैं भाई, जिस कारण से हम यहाँ से थोड़ा जल्दी टाइम पे निकल रहे हैं। यार होप करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो यार भाई के चैनल पे सपोर्ट दिखाना यार। भाई सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, 3-4 दिन से भाई हम भटके पड़े हैं, शूट कर रहे हैं, और अब जाके भाई मेरे को 4-5 दिन पूरे एडिट करने में लगेंगे। तो यार अगर आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आती हैं तो भाई शेयर वेयर कर दिया करो यार, भाई अच्छा लगता है। जितनी चीज़ें मैं बता सकता था, होप करता हूँ गाइस कुछ वॉइस ओवर में, कुछ फोटोज़ के थ्रू, कुछ वीडियोज़ के थ्रू मैंने आपको बताई होंगी। तो अब यहाँ से नीचे लौटते हैं एक वॉइस ओवर के साथ, बागजी बुग्याल के सफ़र को ख़त्म करते हैं और बहुत जल्द आपसे फिर से मिलते हैं कुछ नए इक्विपमेंट्स के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ भाई। तो यार लगभग आधा घंटा हम लोग बागजी बुग्याल के टॉप पे बैठे रहे, कुछ फोटोज़ क्लिक करी, फिर नीचे को लौट गए। यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे, हमारे सामने मुश्किलें क्या क्या आई, हर एक चीज़ आपको दिखाई गाइस। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि मेहनत करके कुछ हासिल करने का मज़ा अलग ही होता है यार। ये ट्रैक अपने लिए जितना सुंदर था उससे कई गुना मुश्किलों से भरा हुआ था। लगभग 1.5 घंटे हमको यहाँ से नीचे लौटने में लगे, और सच बताऊँ तो घेस गांव में पहुँच के मज़ा ही आ गया यार। कुछ देर घेस विलेज में पहुँचकर तेजपाल भाई की दुकान में बैठे, फिर तेजपाल भाई से विदा ली और घर को लौट गए। पर लौटने से पहले हिमनी गांव का एक लड़का हमको मिला, जिसको मैंने अपना चैनल सब्सक्राइब करवाया, और भाई जी का भी एक चैनल था वो सब्सक्राइब किया। यार लौटने से पहले रंजीत दा से मिलने का मन था, पर वो कुछ काम के चलते कहीं गए हुए थे तो उनसे मुलाकात हो नहीं पाई। तो यार होप करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करने है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।